नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए गेम प्ले के अंदर। मैं खेल रहा हूँ टाटा आईपीएल 2023 का एक और नया मैच, गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस, जो हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और आज मैं खेल रहा हूँ गुजरात टाइटंस को लेके, और यहाँ पे आप मेरा स्क्वाड देख सकते हैं। सेम वही वाला लाइनअप है जो पिछले वाले मैच में था, तो वही लाइनअप के साथ मैं खेल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधा टॉस की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हम टॉस जीतते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा जो किस्मत है बहुत ही ज़्यादा फूटी है। मैं कभी भी टॉस यहाँ पे जीतता ही नहीं। देखते हैं कि आज भी क्या होता है। तो सामने आ चुके हैं हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस यहाँ पे टेल्स कॉल किया है, देखते हैं यहाँ पे क्या गिरता है। ओके भाई लोग, बहुत दिन बाद फाइनली हम टॉस जीते हैं और मैं चूज करता हूँ बॉलिंग का। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी टॉस जीतता हूँ मैं चेस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से मैं बॉलिंग का फैसला करता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि हम जो स्टेडियम में है ये है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो काफ़ी बढ़िया स्टेडियम है। और यहाँ पे ओपनिंग बल्लेबाज मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन आ चुके हैं, और हमारे तरफ से मोहम्मद शमी, गुजरात टाइटंस की तरफ से भाई मोहम्मद शमी जो है ओपनिंग बॉलर। तो हर बार की तरह मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड गिव करूँगा, और मैं देख चुका हूँ कुछ सारे मैच, जो पिछले वाले जो मैच के एक्सपीरियंस है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टैंडर्ड सीधा गेम है इसको बैट्समैनों को खेलने में ज़्यादा तकलीफ होता है, जिस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड गेम ही करूँगा। थोड़ा यहाँ पे फील्डिंग में बदलाव एक ही करेंगे कि मैं जो मिड ऑफ का जो फील्डर है उसको सीधा बाहर लॉन्ग ऑफ पे ला लूँगा, ताकि जो बड़े रन्स है वो ना हो। तो चलिए एक और गेम थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ एंगल रखेंगे, और ये देखिए फील्डर मौजूद है तो एक रन यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस का खाता खुलता हुआ, पहला रन यहाँ पे रोहित शर्मा के बल्ले से आता हुआ, और आ चुके हैं ईशान किशन स्ट्राइक पे। और इनके लिए भाई हमें जो है थोड़ा यहाँ पे फील्डिंग को सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फील्डिंग को थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू ईशान किशन, क्योंकि वो बाएं हाथी बल्लेबाज हैं, और सेम फील्डिंग रखूँगा भाई, ज़्यादा यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुल्का चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो साइड बदलेंगे नहीं, हम ओवर द स्टंप ही बॉल करेंगे, और देखते हैं यहाँ पे कुछ बढ़िया कर पाते कि नहीं। ये बढ़िया लाइन और लेंथ मोहम्मद शमी का, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ। गेम जो है थोड़ा राइज हो रहा है सीधा चेस्ट की तरफ, थोड़ा सा उछाल है तो बढ़िया है हमारे लिए, काफ़ी बढ़िया होगा। चलिए हम इस ओवर का चौथा गेम डालते हैं। इस बार जो है ईशान किशन ने खेल दिया सीधा बल्ले के सामने, हमने गेम दे दी थी, और यहाँ पे बढ़िया सा एक वन बाउंस चौका ईशान किशन के बल्ले से, पहला चौका इस इनिंग्स का मुंबई इंडियंस की तरफ से, और बेहद ही खूबसूरत शॉट। हमने सोचा कि थोड़ा हम आगे डाल देते हैं, थोड़ा फुल लेंथ पे गेम हमने कर दिया और यहाँ पे जड़ दिया चौका। तो फुल लेंथ पे हम गेम नहीं कर सकते भाई, तो हमें जो है गुड लेंथ से गेम करना पड़ेगा। और ये देखिए गुड लेंथ से गेम किया, फील्डर मौजूद यहाँ पे, शायद दो रन लेने की कोशिश नहीं, जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक रन में ही संतुष्टि मुंबई इंडियंस का। और यहाँ पे बढ़िया बॉलिंग करते हुए मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी वैसे बहुत ही अच्छे बॉलर हैं इंडिया के तरफ से। सामने आ चुके हैं रोहित शर्मा, भाई रोहित शर्मा यहाँ पे आ चुके हैं सामने, और इनको भी हम स्टैंडर्ड गेम देंगे, थोड़ा सा हम हल्का फुल्का। और ये लग गया एज भाई, एक इनसाइड एज और पैरों के नीचे से गेम चला गया सीधा बाउंड्री की तरफ, और चार रन यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत एक ओवर यहाँ पे चल रहा था, मगर इसको थोड़ा यहाँ पे खींच के लंबा बना दिया दोनों बैट्समैनों ने मुंबई इंडियंस के। एक ओवर के बाद 10 रन, कोई यहाँ पे विकेट नहीं मुंबई इंडियंस का। देखते हैं यहाँ पे दूसरा ओवर कौन डालता है, कौन डालता है भाई, शिवम अवी। तो शिवम अवी से हम जो है दूसरा ओवर यहाँ पे करवाएंगे, देखते हैं कि कैसा ओवर जाता है। एक ओवर में 10 रन तो हो गया, और यहाँ पे प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है कि 5 ओवर में अगर ऐसा ही रन रेट चला तो 50 रन बनेगा। यहाँ पे थोड़ा फील्डिंग में हम सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि फील्डिंग जो है बार बार ओवर के साथ साथ यहाँ पे भाई चेंज हो जाता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फील्डिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक स्लिप लगाया ताकि एज वेज निकला, तो यहाँ पे हम जो है एक एज निकाल पाए। तो देखते हैं यहाँ पे, ओके इस वाले फील्डर को थोड़ा नीचे, जी हाँ बिल्कुल ये ठीक है। चलो तो थर्ड मैन फाइन लेग, और यहाँ पे लॉन्ग ऑफ और एक स्लिप हमने यहाँ पे रखा है भाई ईशान किशन के लिए, और बढ़िया गेम, बढ़िया गेम, बढ़िया स्विंग हुआ भाई यहाँ पे गेम, काफ़ी बढ़िया स्विंग हुआ, और यहाँ पे एज लगते लगते बचा भाई यहाँ पे। चलो भाई शिवम अवी, थोड़ा यहाँ पे बढ़िया सा गेंदबाजी कर दो, एक यहाँ पे इन स्विंग लाते हैं। चलिए
थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ गेम पैरों पे ना गिर जाए। ये बढ़िया गेम भाई, देखो ये बढ़िया गेम हुआ क्योंकि पैरों पे अगर ये गेम गिर जाता तो ये एक बढ़िया शॉट खेल देता और बड़ा यहाँ पे एक बाउंड्री शायद हो सकता था। एक और यहाँ पे इन स्विंग का प्रयास और मैं एंगल जो है सेम रखूँगा, देखते हैं कि यहाँ पे गेम कितना ज़्यादा। ये वाला बॉल भी एकदम सही भाई, एकदम सही जगह पे टप्पा, एकदम सही लाइन और लेंथ काफ़ी ज़्यादा सटीक और गेम जो है हल्का सा अंदर आ रहा है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे आउटस्विंग का प्रयास जो है अंदर की तरफ से बाहर की तरफ गेम, और ये वाला देखो, ये देखो एज लगा मगर फील्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर। अच्छा हुआ कि मैंने फाइन लेग पे भाई एक फील्डर सेट करके रखा था तो यहाँ पे एक रन, मैं यही चाहता था कि एक एज यहाँ पे लगे। सामने आ चुके हैं भाई रोहित शर्मा, देखते हैं रोहित शर्मा कहाँ पे गेंदबाजी करें हम। रोहित शर्मा को थोड़ा इन स्विंग और फुल लेंथ से गेम करते हैं, देखते हैं अंदर आता है कि नहीं। ये बढ़िया बॉल भाई, ये बढ़िया बॉल और इधर फील्डर मौजूद नहीं, स्ट्रेट ड्राइव खेला, फील्डर भाग रहे हैं पीछे 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 और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया थ्रो सीधा बॉलर के पास और यहाँ पे दो रन मिले। आखिरी बॉल इस ओवर का और यहाँ पे देखिए चार गेंदों में 7 रन बना चुके हैं रोहित शर्मा, जो आग है भाई मुंबई इंडियंस का, वो चिंगारी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आखिरी बॉल इस ओवर का 13 रन बन चुके हैं अभी तक, तो देखते हैं यहाँ पे आखिरी बॉल पे कितना रन आएगा। जी नहीं, तो यहाँ पे 2 ओवर के बाद 13 रन पे कोई नुकसान नहीं मुंबई इंडियंस, देखते हैं हम यहाँ पे इसको गेंदबाजी देंगे भाई। हार्दिक पांड्या को ही देंगे क्या, राहुल तेवातिया, रशीद खान, नहीं नहीं राहुल तेवातिया, चलिए राहुल तेवातिया। हमने यहाँ पे स्पिनर डाल दिया है, रिस्ट स्पिनर, राइट आर्म रिस्ट स्पिनर सामने है, बाएं हाथी बल्लेबाज, तो इनको गेंदबाजी करने में हमें थोड़ा मदद तो मिलेगा। लेग ब्रेकर गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से फ्लाइटेड गेंद और ये भाई कैच हो सकता है, कैच हो सकता है, आवाज तो आया है मुझे और जी हाँ बिल्कुल यस, पहला विकेट यहाँ पे भाई मुंबई इंडियंस की तरफ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं हमारे तरफ से भाई, हमारे तरफ से पहला विकेट यहाँ पे हमने छटका दिया मुंबई इंडियंस का। ईशान किशन थे भाई गेंद बल्लेबाज और ये देखिए यहाँ पे मुझे लगा ही था कि आवाज़ आया था मगर यहाँ पे कीपर भाई कोई अपील नहीं और यहाँ पे ईशान किशन भाई 8 गेंदों में 6 रन करके पेवलियन वापिस, 75 का स्ट्राइक रेट। देखते हैं यहाँ पे दूसरा कौन बल्लेबाज आते हैं, तिलक वर्मा, तिलक वर्मा ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो इनको भी भाई हम सेम लेग ब्रेकर डाल सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा असरदार होता है इनको। और वापस से लेग ब्रेकर, थोड़ा फ्लाइटेड गेम, इस बार हवा में खेल दिया, पीछे फील्डर मौजूद, क्या यहाँ पे 4 रन मिलेगा और यहाँ पे बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग गुजरात टाइटन्स का, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 3 रन यहाँ पे ले लिए मगर 1 रन यहाँ पे बचा लिया भाई अपने टीम के लिए, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, बहुत बढ़िया। अगर फील्डर ऐसे ऐसे एफर्ट लगाएंगे तो हमारे गेंदबाज जो हैं वो और भी ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएंगे और अच्छे बॉल करेंगे। तो सामने है भाई रोहित शर्मा, हम इनको भी लेग ब्रेकर डालेंगे मगर इस बार जो है ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा यहाँ पे, और ये बढ़िया बॉल यहाँ पे फील्डर मौजूद मगर बहुत ही तेज़ी से 1 रन भाग लिए भाई, बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स दो बल्लेबाजों के भीतर, क्योंकि इनको पता है जो डेप्थ है भाई गुजरात टाइटन्स का, जो बैटिंग का डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा तो यहाँ पे रन तो बनाना ही पड़ेगा फाइटिंग रन, ताकि यहाँ पे भाई चेज ना हो पाए उतना आसानी से। और यहाँ पे भाई डॉट हुए मगर ये काफ़ी दूर भाई, विकेट से काफ़ी दूर, अपील करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, डॉट हुए यहाँ पे। तो 4 बॉल हो चुका है इस ओवर का, आखिरी 2 बॉल यहाँ पे भाई मैं एक यहाँ पे स्लाइडर का प्रयास करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे विकेट मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे भाई एकदम मिडिल स्टंप लग रहा है मुझे, आउट है जी बिल्कुल यस, दूसरा विकेट यहाँ पे मुंबई इंडियंस का हमने छटका दिया और क्या ही गेंदबाजी कर रहे हैं भाई तिलक वर्मा, यहाँ पे तिलक वर्मा को चलता बनाया और 3 गेंदों में 3 रन, राहुल तेवातिया क्या ही यहाँ पे छा गए गुरु, एकदम छा गए भाई। LBW पहले किया भाई ईशान किशन को यहाँ पे कैच आउट, उसके बाद यहाँ पे तिलक वर्मा को LBW, अब जो है भाई यहाँ पे आ चुके हैं सूर्य कुमार यादव भाई, सूर्य कुमार यादव काफ़ी मतलब पॉपुलर बैट्समैन है, मिस्टर 360 हमारे इंडिया का। और ये देखिए यहाँ पे शानदार एक ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ भाई, 3 ओवर के बाद 17 पे 2 विकेट मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों अगर मैच अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और एकदम नया नया चैनल है, ठीक है,
और हम लोग 300 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो आप लोग जो जो भाई नए आए हो चैनल के अंदर, तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। तो हार्दिक पांड्या को हमने यहाँ पे बुलाया है हर बार की तरह स्टैंडर्ड गेम, और उससे पहले भाई हमें यहाँ पे फील्डिंग सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फील्ड सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे झट से। तो ठीक है, इसी को रखते हैं और चलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड गेम डालते हैं, नहीं आउटस्विंग डालते हैं, चलिए आउटस्विंग डालते हैं। पहला गेम आउटस्विंग, थोड़ा अंदर की तरफ से बाहर लाएंगे, ज़्यादा अंदर ना चला जाए। और ये देखिए शरीर के ज़्यादा अंदर चला गया और फील्डर काफ़ी ज़्यादा वाइड, यहाँ पे 4 रन मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे 4 रन मिलेगा रोहित शर्मा भाई। रोहित शर्मा एक बार अगर यहाँ पे शुरू हो जाते हैं तो उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह पे शॉट खेलना जानते हैं, हर जगह पे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, उनको पता ही था गेम जो है थोड़ा शॉर्ट आएगा, और उन्होंने ज़बरदस्त एक चौका यहाँ पे खेल दिया। वापस से हम लोग एक बार छोटा सा फील्डिंग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये वाला मुझे सही लग रहा है, और इस बार जो है मैं स्टैंडर्ड वापस से आउट स्विंग डाल रहा हूँ, मैं वापस से आउट स्विंग। इस बार जो है शरीर के ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। ओ ओ ये वाला देखो, ये वाला बॉल ही मैं करने जा रहा था पहली बार, मगर वो वाले बॉल में भाई चौका लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमें जो है डॉट करवाना है, रन को कम से कम रखना है। ठीक है, और राइट, और यहाँ पे वापस से तीसरा बॉल हमारे ओवर का, और ये वाला बॉल चला गया भाई एकदम पैरों के अंदर, और ये यहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं। वन बाउंस चौका एक और बार रोहित शर्मा के बल्ले से। भाई रोहित शर्मा यहाँ पे जाग चुके हैं पूरी तरह, मुझे लग रहा है कि पहले बॉल में भाई 4 रन, दूसरे बॉल में डॉट हुए, मगर तीसरे में वापस से यहाँ पे 4 रन जड़ दिए। भाई हार्दिक पांड्या को यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इन स्विंग स्टैंडर्ड ही डालते हैं। चलिए स्टैंडर्ड को थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखते हैं ताकि यहाँ पे रन जो है, रनों पे थोड़ा रुकावट, मगर कौन रोकेगा भाई रोहित शर्मा को, कौन रोकेगा। यहाँ पे एक और बढ़िया कट शॉट, और यहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं था। एक और 4 रन यहाँ पे मुंबई इंडियंस के खाते में, और रोहित शर्मा के भी। भाई गेम जो है थोड़ा शॉर्ट पिच डाल दिया था, मगर भाप लिए यहाँ पे गेम को, और यहाँ पे 4 रन जड़ दिए भाई। कौन रोकेगा यार रोहित शर्मा को। चलो पांचवा बॉल करते हैं, यहाँ पे पांचवा बॉल डालते हैं, यहाँ पे सीधा एकदम सीधा डालेंगे। एक और यहाँ पे उठा के खेला हवा में गेम, और ये भी जाएगा शायद 4 रन के लिए। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। लगातार इस ओवर में चौथा चौका, ये मतलब 4 चौके इस ओवर में लग चुके हैं। आखिरी बॉल है भाई, आखिरी बॉल को क्यों छोड़ेगा, आखिरी बॉल भी खेल दे भाई, आखिरी बॉल भी खेल दे। ये ले, और इस बार जो है हल्के हाथों से फील्डर मौजूद। ओह, 1 रन लेने के बारे में सोच रहे थे, मगर यहाँ पे रन नहीं लिया, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया। रशीद खान इनको चाहिए अब हम यहाँ पे, क्योंकि एक जो रन का जो भाई गाड़ी जो चलने लगा है ना, इसको यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर देना पड़ेगा ताकि जो रन है थोड़ा यहाँ पे कम बने। तो रशीद खान का भाई यहाँ पे लेग ब्रेकर, और पीछे फील्डर मौजूद, यहाँ पे 1 रन ले लेंगे, ज़रूर ले लेंगे, और दूसरा रन लेने के बारे में भाई सोचेंगे भी नहीं, कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो रशीद खान, और सामने है रोहित शर्मा, और देखते हैं यहाँ पे रोहित शर्मा भाई कितना अच्छा खेल पाते हैं। एक और लेग ब्रेकर रोहित शर्मा को, ऑफ स्टंप की तरफ हल्का फुल्का रखेंगे, और ये भाई ये किस तरह का शॉट था। अरे रोहित शर्मा जी, फिर से शर्मा जी ने एक और चौका यहाँ पे जड़ दिया भाई रशीद खान को। भाई बैठ के सीधे एकदम भाई स्लिप के ऊपर से खेल दिया क्या, ये स्लिप के ऊपर से खेल दिया लगता है भाई। मुझे यहाँ पे फील्डिंग में थोड़ा हल्का फुल्का बदलाव करना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे, और जो फाइन लेग का फील्डर था वो फाइन लेग पे वापस डाल देंगे। ये वाला मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, और इसको थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ, नहीं ज़्यादा हो गया, थोड़ा आगे, जी हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है भाई। सीधा गेम करेंगे इस बार, टॉप स्पिन डालते हैं रोहित शर्मा को, और ये एज लगा भाई, एक मोटा एज लगा यहाँ पे। अगर एज नहीं लगता तो शायद यहाँ पे विकेट मिल सकता था हमें। ठीक है, ओवर का यहाँ पे तीसरा गेम हो चुका है, 3 बॉल बाकी है। देखते हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके लेग ब्रेकर एक और, हमने 2 जगह पे यहाँ पे मारने के, 2 जगह पे ही भाई हमने यहाँ पे फील्डर दे दिए। यहाँ पे भाई एक और स्विप शॉट खेलने का ट्राई खेला भी था, मगर फील्डर मौजूद था, रन लेने का यहाँ पे कोई चांस नहीं। भाई रशीद खान को काफ़ी ज़्यादा बच्चे बच्चे जैसा लग रहा है ना। ओके, एक गुगली डालते हैं, चलिए यहाँ पे एक गुगली डालते हैं, देखते हैं यहाँ पे गुगली पड़ पाते कि नहीं।
जी हाँ बिल्कुल पढ़ पाए, और जिस तरफ खेल दिया उस तरफ कोई फील्डर भी नहीं है भाई, स्क्वायर लेग के तरफ सीधा यहाँ पे खेल दिया और यहाँ पे एक और चार रन। वाह भाई वाह, रोहित शर्मा ने क्या ही यहाँ पे खेल चालू किया है भाई, 42 रन बन चुके हैं अभी तक, 42 रन आखिरी गेम, इस ओवर का अंतिम ओवर का आखिरी गेम, और देखते हैं यहाँ पे कितना बनता है। एक और रन, चार रन जड़ दिया भाई रोहित शर्मा, क्या खेल दिया यहाँ पे भाई, 46, 46 रन बना दिए भाई मुंबई इंडियंस ने, हमें टारगेट दिया है 47 का। रन बहुत ज्यादा तो नहीं है मगर ये जो रन भाई तीसरे ओवर के बाद जो रन उठा है ना, कमाल का भाई, कमाल का। एक बार हम लोग बैटिंग स्कोर कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे मुंबई इंडियंस का। देखिए यहाँ पे रोहित शर्मा ने 17 गेंदों में 36 रन बनाए नॉट आउट रह के, ईशान किशन यहाँ पे 6 गेंदों में 8 रन, तिलक वर्मा यहाँ पे 3 गेंदों में 3 रन, सूर्य कुमार यादव यहाँ पे 2 गेंदों में 1 रन करके यहाँ पे नॉट आउट थे। यही था मुंबई इंडियंस का बैटिंग स्कोर कार्ड। तो अब हमारे तरफ से उतर रहे हैं भाई शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा, दोनों ही ताबड़तोड़ बैट्समैन यहाँ पे उतर रहे हैं, और पहला गेंदबाज मुंबई की तरफ से करेंगे जेसन बेरनडॉर्फ। भाई इसका जो नाम का प्रोनाउंसिएशन है मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से करना नहीं आता, तो बेरनडॉर्फ या बेरनडॉर्फ ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो पहला बॉल यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट पिच गेम, हमने थोड़ा यहाँ पे बैकफुट में जाके खेला मगर सामने फील्डर मौजूद, ऑफ स्टंप के बाहर जो है फील्डर यहाँ पे मौजूद है तीसरे घेरे के अंदर, जेसन बेरनडॉर्फ बहन क्या बोल रहा हूँ, चलो यार 29 गेंदों में 47 रन चाहिए। तो पहला बॉल जा चुका है हमारे तरफ से, और भाई दूसरा बॉल, और यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट पिच गेम था, वापस से कट शॉट खेलने का कोशिश मगर फील्डर के हाथ में, अच्छा है कि वन बाउंस का यहाँ पे एक सिग्नल दे दिया। चलो बाकी जो बॉल होंगे अब जो है शॉर्ट पिच गेम नहीं होगा, थोड़ा हमें जो है गुड लेंथ से देखने को मिलेगा, और ये वाला बॉल एकदम गैप में गया सीधे कवर की दिशा में, बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से, बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे, और देख सकते हैं कैसे बैकफुट में जाके यहाँ पे ये देखिए एकदम मिडिल बैट और एकदम गैप में धकेल दिया सीधा चार रन के लिए, फील्डर मौजूद नहीं वहाँ पे, और यहाँ पे बेहतरीन चौका। तो तीन बॉल हो चुके हैं, एक चौका आ चुका है, देखते हैं यहाँ पे और हम कुछ रन यहाँ पे अच्छी तरीके से बना सकते हैं कि नहीं। एक और यहाँ पे गुड लेंथ पे बॉल कट शॉट मगर कमाल का यहाँ पे फील्डिंग का डाइव और बेहतरीन यहाँ पे सेव भाई, रन बचाया यहाँ पे, एक रन तो हम ले ही लेते और अगर निकल जाता तो चौका भी मिल सकता था मगर क्या करें। चलो तो चार बॉलों पे चार रन यहाँ पे हो चुके हैं, एक और हमने उसी तरफ खेल दिया गैप में गया पीछे फील्डर मौजूद, और यहाँ पे आसानी से हम एक रन ले लेंगे, एक रन से ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि रन आउट होने का पूरा चांस यहाँ पे रह जाता है। तो स्ट्राइक पे अब शायद आ चुके हैं रिद्धिमान साहा, मुझे ऐसा लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल ये भी दाएं हाथी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा। तो आखिरी बॉल है इस ओवर का, 5 रन यहाँ पे बन चुका है, क्या यहाँ पे मैं एक और चौका मार सकता हूँ भाई, गैप तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, लेग स्टंप की तरफ खेल दिया गैप मिल गया, जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन गैप, और यहाँ पे एक और गैप मिला यहाँ पे मिड विकेट और मिड ऑन के फील्डर के भाई बीच में से निकाल दिया और बेहतरीन चौका। तो यहाँ पे एक ओवर के बाद रन हुआ है 9 बिना किसी नुकसान पे गुजरात टाइटंस। जोफ्रा आर्चर आए हैं दूसरा ओवर डालने के लिए, देखते हैं यहाँ पे जोफ्रा आर्चर का स्पेल कैसा जाता है, 24 गेंदों में 36 रन चाहिए भाई, शायद ये मैच मैं जीत सकता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे वक्त ही बताएगा। शुभमन गिल है सामने और यहाँ पे फुल लेंथ पे गेम, और यहाँ पे गैप मिल गया सीधा एकदम भाई बिजली की तरह चला गया बाउंड्री के बाहर, और चार रन यहाँ पे वापस से शुभमन गिल के भाई बैट में, अगर कोई गेम निकल के अगर बाउंड्री के बाहर जाता है तो वो भाई कोई पकड़ नहीं सकता, अगर गैप में गया तो कोई पकड़ नहीं सकता, कमाल का भाई बल्लेबाज है शुभमन गिल, काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हैं। चलिए दूसरा बॉल यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट पिच इस बार, और इस बार जो है हमने छोड़ दिया, डक गया भाई, हमने यहाँ पे खेलने का ट्राई नहीं किया कि यहाँ पे अगर एज वेज लगा तो विकेट जा सकता है, कोई बात नहीं, अभी भी मैच जो है हमारे काफ़ी अंदर है, 22 बॉलों पे 34 रन चाहिए, इस बार भी मुझे मिल गया शायद गैप, ओ नहीं 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 नहीं, बेहतरीन फील्डिंग भाई यहाँ पे, खूबसूरत फील्डिंग और बेहतरीन डाइव मार के सेव कर लिया भाई एक और चौका, भाई क्या फील्डिंग कर रहे हैं आज, फील्डिंग की भाई दाद देने पड़ेगी, दोनों टीम के भाई फील्डर्स काफ़ी बढ़िया प्रयास कर रहे थे मगर ये भाई कौन पकड़ेगा, ये भाई कौन पकड़ेगा भाई, गैप में गया एक और चौका, बेहतरीन शॉट यहाँ पे शुभमन गिल के बल्ले से, और खूबसूरत टाइमिंग ये देखिए एकदम भाई डीप पॉइंट की तरफ खेल दिए,
उस एरिया में कोई फील्डर नहीं और यहाँ पे सुंदर चौका, बहुत ही सुंदर भाई। दो बॉल बचे हैं अभी भी और 17 रन हो चुके हैं 20 गेंदों पे, 30 रन चाहिए, 10 रन का भाई यहाँ पे फ़र्क है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ये जो है थोड़ा टाइमिंग में लेट हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, थोड़ा यहाँ पे फोकस फोकस से खेलो, थोड़ा फोकस से खेलो। ओके, तो मुझे एक गैप दिख रहा है कवर की तरफ, क्या यहीं पे गेंदबाजी करेगा? जी बिल्कुल, मगर गेम गया सीधा फील्डर के हाथ में भाई। दो ओवर के बाद 17 पे बिना किसी नुकसान पे गुजरात टाइटंस भाई, दो ओवर के बाद सिर्फ 17, पहले ओवर में आया था कितना 9 रन, अब जो है 17, मतलब घट गया भाई, रन घट गया। कुमार कार्तिकेया भाई लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन बॉलर यहाँ पे आ चुके हैं और 18 गेंदों में 30 रन चाहिए काफ़ी, अब जो है प्रेशर थोड़ा मुझे लग रहा है, 18 गेंदों में 30 रन। फील्डर देखिए एकदम किस तरीके से सजाए हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे खेलना चाहा गैप में मगर यहाँ पे फील्डर ने पकड़ लिया और यहाँ पे एक रन हम ले लिए भाग के भाई। थोड़ा यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा मैच में, मैच हाथ में तो है मगर अभी भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 17 गेंदों में 29 रन चाहिए, स्पिनर डाल दिया। देखते हैं यहाँ पे भाई लेग स्टंप की तरफ भी खेलना पड़ेगा मगर इस बार भी थोड़ा टाइमिंग में गड़बड़ और सीधा फील्डर के हाथ में, तो खेलने में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है स्पिनर को, थोड़ा यहाँ पे बढ़िया तरीके से खेलना पड़ेगा भाई। क्या कर रहा है भाई शुभमन गिल, एक और यहाँ पे छक्का वक्का मार दे यार, एक और खेला यहाँ पे मगर फिर से भाई यहाँ पे फील्डर के हाथ में एक एक डॉट बॉल के साथ भाई, रन का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है क्योंकि अब जो है 15 गेंदों में 29 रन चाहिए, लगभग 2 रन प्रति बॉल और ये एक घूम के रिवर्स भाई, मैं खेलना ही नहीं चाहता था, ये कहाँ से खेल दिया इसने, अरे भाई ये कौन सा शॉट इसने मार दिया यार, मुझे इस बॉल पे एक छक्का लगाना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं कर सकते भाई, मुझे एक छक्का लगाना ही पड़ेगा, आउट होता हूँ तो होता हूँ मगर एक छक्का तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा भाई। फील्डर पीछे मौजूद भाई, 4 रन भी नहीं हुआ इस ओवर में, छी यार, एक रन मिला है सिर्फ, 2 रन हुए भाई अभी तक सिर्फ 2 रन हुए हैं और आखिरी गेम शायद मुझे लग रहा है आखिरी गेम, और रिद्धिमान साहा है स्ट्राइक पे, जी हाँ बिल्कुल आखिरी गेम रिद्धिमान साहा है स्ट्राइक पे, 13 गेंदों में भाई 28 रन चाहिए भाई रिद्धिमान साहा, एक तो खेल दे यार, शेटमैन यहाँ पे रन आउट होने का चांस था मगर यहाँ पे पहुँच गए, 3 रन हुआ भाई इस ओवर से, अब तो भाई मुझे कितना चाहिए, 3 रन हुआ, 3 ओवर हो गया, 12 गेंदों में 27 रन चाहिए, 12 2 24 भाई, 2 रन से भी ज़्यादा पर बॉल, मतलब इस ओवर में मुझे जो है पिटाई करना पड़ेगा सैम सुमुलानी का भाई। सैम सुमुलानी आए हैं भाई, 34th ओवर डालेंगे यहाँ पे, 12 गेंदों में 27 रन चाहिए, 20 रन हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 रनों के बाद, और यहाँ पे उठा के खेला हवा में गेम, क्या ये दूरी तय कर पाएगा, देखते हैं यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल दूरी तय कर पाएगा और बहुत बढ़िया यहाँ पे एक छक्का सैम सुमुलानी का भाई, आते ही 102 मीटर के छक्के के साथ यहाँ पे वेलकम करते हुए, कौन थे बल्लेबाज, मुझे लग रहा है शुभमन गिल थे, शायद मुझे लग रहा है शुभमन गिल थे या फिर रिद्धिमान साहब भी हो सकते हैं, देखते हैं कौन थे, मगर जो भी थे भाई बहुत ही बढ़िया प्रेशर सिचुएशन में एक बहुत बड़ा छक्का मारा यहाँ पे रिद्धिमान साहा, जी हाँ 11 गेंदों में 21 रन चाहिए, अब देखते हैं भाई, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है और यहाँ पे घूम के एक और मिड विकेट की तरफ भाई खेल दिया और ये भाई सरक सरक के भाई 4 रन यहाँ पे, एक और भाई बहुत ही बढ़िया शॉट भाई, ये किस तरह का शॉट था ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेग स्टंप की तरफ भाई हट चुके थे और उसके बाद खेल दिया मिड विकेट की तरफ, बहुत ही बढ़िया शॉट, 10 बॉलों पे अब 17 रन चाहिए, देखते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा हम कर पाते हैं इस ओवर में, मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एक और हमने खेल दिया भाई फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद नहीं, वापस से 4 रन, ये बढ़िया शॉट भाई, एकदम बॉलिंग की अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा शरीर की तरफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेग साइड की तरफ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे और हमने यहाँ पे खेल दिया फाइन लेग की तरफ भाई, कोई फील्डर वहाँ पे नहीं था और यहाँ पे 4 रन, एक और 9 गेंदों में 13 रन चाहिए भाई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसान होता हुआ धीरे धीरे करके, ओ ये वाला भाई बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, अगर ये सही से खेल देते हम तो शायद ये कैच भी हो सकता था या फिर अगर निकल जाता तो चौका भी हो सकता था। 4 गेम हो चुका है भाई इस ओवर का, 2 बॉल अभी भी बाकी है, देखते हैं 2 बॉलों में क्या हम यहाँ पे एक बड़ा छक्का मर पाएंगे, जी कट शॉट खेल दिया मगर पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन यहाँ पे ले लेंगे और स्ट्राइक पे आ जाएंगे भाई शुभमन गिल, देखते हैं स्ट्राइक पे शायद शुभमन गिल ही आएंगे क्योंकि अभी तक तो रिद्धिमान साहब बैटिंग कर रहे थे,
अब शायद मुझे लग रहा है शुभमन गिल ही आएंगे। जी बिल्कुल, 7 गेंदों पे 12 रन चाहिए, तो आखिरी ओवर में कितना रन रहता है यही देखना है। और यहाँ पे एक और बड़ा छक्का भाई शुभमन गिल के बल्ले से, छक्का जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, एक और बड़ा छक्का 109 मीटर का भाई, काफी बड़ा ओवर यहाँ पे। सैम सुमरानी काफी ज्यादा यहाँ पे पिटाई हो गया सैम सुमरानी का, बहुत ही बढ़िया ओवर। और मुझे लग रहा है कि एक ओवर में अब 6 रन जरूरत, क्योंकि 7 गेंदों पे 12 रन चाहिए था। और ऋतिक शौकेन आए हैं भाई, राइट आर्म फिंगर स्पिन बॉलर ऋतिक शौकेन, जी हाँ 6 गेंदों में 6 रन, 41 रन कर चुके हैं बिना किसी नुकसान पे यहाँ पे गुजरात टाइटंस। और पहला बॉल यहाँ पे स्विप शॉट खेलना चाहते थे रिद्धिमान साहब, मगर सही से कनेक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि ये सीधा नहीं आया, तो एल भी हो सकता था ये। ठीक है, 5 गेंदों में 6 रन भाई, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे एक और हम लोग खेल देते हैं इस बार जो है भाई, ओ इस बार भाई फील्डिंग के हाथों में सीधा, भाई क्या ही फील्डिंग सेटअप करके रखा है, किसी जगह पे गैप ही नहीं मिल रहा। देखो किस तरफ खेले, एक ही जगह है भाई, फाइन लेग की तरफ खेल सकते हैं क्योंकि लेग स्टंप की तरफ हमें जो है गेंदबाजी हो रहा है। ये देखिए अब जो है मैं भाग के यहाँ पे 2 रन ले सकता हूँ क्योंकि फील्डर थोड़ा दूर है। 2 रन, जी हाँ यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा 2 रन, जी हाँ 4 गेंदों पे 6 रन चाहिए था, अब 3 गेंदों पे 4 रन चाहिए भाई, 3 गेंदों में 4 रन। ये देखिए 3 गेंदों में 4 रन, तो मुझे वापस से शायद वहीं खेलना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल वहीं खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे भाग भाई वापस से हम 2 रन ले लेंगे, यहाँ पे भाग के दौड़ के यहाँ पे 2 रन वापस ले लेंगे और 2-2 करके भाई मैच जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। अब जो है भाई यहाँ पे 2 रन चाहिए आई थिंक 2 गेंदों में, जी हाँ लगता है 2 गेंदों में 2 रन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे मतलब कॉन्टेस्ट हो चुका है मैच बिल्कुल। ये देखिए 2 गेंदों पे 2 रन, वापस से वहीं खेलेंगे भाई, वहीं पे खेलेंगे, वहीं पे फील्डर काफ़ी दूर है और वापस से 2 रन यहाँ पे भाग लेंगे। और यहाँ पे भाई मैच जीत चुके हैं गुजरात टाइटन्स भाई, गुजरात टाइटन्स मैच जीतते हुए मुंबई इंडियंस को भाई यहाँ पे हरा चुके हैं 5 विकेट से, और एक बॉल रहते भाई यहाँ पे अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं। और बहुत ही बढ़िया मैच गया, बहुत ही बढ़िया। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार मैच स्कोर कार्ड के ऊपर एक बार हम यहाँ पे नजर रखेंगे, एक बार देख लेते हैं मैच स्कोर कार्ड क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स में मुंबई इंडियंस ने भाई बैटिंग करके रोहित शर्मा ने 17 गेंदों पे 36 रन बनाए थे, नाबाद 8 गेंदों पे 6 रन बनाए थे, ईशान किशन 3 गेंदों पे 3 रन, तिलक वर्मा और 2 गेंदों में 1 रन, सूर्य कुमार यादव भाई 2 विकेट छटका चुके थे, राहुल तेवातिया सिर्फ 4 रन देके एक ओवर में, बहुत ही अच्छा ओवर गया। उसके बाद भाई गुजरात टाइटन्स के बैटिंग की बात करें तो 13 गेंदों में 27 रन, रिद्धिमान साहा नॉट आउट, शुभमन गिल यहाँ पे 16 गेंदों में 20 रन करके नॉट आउट भाई, विकेट यहाँ पे किसी को नहीं मिला। सबसे ज़्यादा महंगे हुए हैं भाई कुमार कार्तिकेय तो नहीं कौन था वो आखिरी वाला जो बॉलर था मैं भूल गया भाई, कोई बात नहीं। मगर मैन ऑफ द मैच भाई रोहित शर्मा हार चुके हैं, मगर फिर भी यहाँ पे मैच जीत चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का मैच ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अगर भाई बुरा लगा तो कमेंट में जाके बता सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को और भी मिलता रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।